नमस्कार प्रिय दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल प्राचीन ज्ञान सच्चा ज्ञान में। प्रिय दर्शकों, आज फिर नया वीडियो नई जानकारी लेकर हम हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आज की कहानी एक बूढ़ी माँ और शिव जी की कहानी है। प्रिय दर्शकों, ये कहानी सावन में सुनी जाने वाली कहानी है। दर्शकों, ये कहानी बड़ी मोटिवेशनल है और बड़ी ज्ञानवर्धक है। इस कहानी के बारे में ऐसा कहा जाता है कि जो मनुष्य इस कहानी को बड़े ध्यान से और बड़े गौर से सुनता है, उसके जीवन में कभी कोई विपत्ति नहीं आती है और देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा उन लोगों पर होती है जो लोग इस कहानी को ध्यान से चित्तमगन होकर के सुनते हैं। उन लोगों की औलाद पर कभी कोई विपत्ति नहीं आती, कभी कोई संकट नहीं आता। इसलिए प्रिय दर्शकों, यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी औलाद पर कभी कोई विपत्ति ना आए, कभी कोई संकट नहीं आए, तो इस कहानी को चित्तमगन होकर ध्यान पूर्वक सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, ये बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में जिसका नाम महिपालपुर था, एक अंधी बुढ़िया रहती थी। वह शिवजी की परम भक्त थी। आंखों से उसको भले दिखाई नहीं देता था, परंतु वो बूढ़ी माँ सुबह शाम शिवजी की बंदगी में मगन रहती थी। शिवजी बुढ़िया की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने सोचा कि ये बुढ़िया नित्य हमारा स्मरण करती है, परंतु बदले में कुछ नहीं मांगती है। तब देवाधिदेव महादेव अपने मन में सोचने लगते हैं कि भगत को भक्ति का फल तो जरूर मिलना चाहिए। ये बूढ़ी माँ भी भक्ति करती है और इसको भी इसकी भक्ति का फल जरूर मिलना चाहिए। ऐसा सोचकर शिव जी एक दिन उस बूढ़ी माँ के सन्मुख प्रकट हुए और बोले कि माई, तुम हमारी सच्ची भक्त हो। जिस श्रद्धा से और विश्वास से तुम हमारा स्मरण करती हो, हम आपसे बहुत प्रसन्न हैं। अतः तुम जो वरदान मांगना चाहो सो मांग सकती हो। तब बुढ़िया माँ कहती है कि प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भाव से करती हूँ और मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, अतः मुझे कुछ नहीं चाहिए। प्रिय दर्शकों, इससे पहले आप इस कहानी में खो जाए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें, अच्छे अच्छे कमेंट किया करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फायदा उठा सकें। प्रिय दर्शकों, तब शिव जी उस बूढ़ी माँ से कहते हैं, हम वरदान देने के लिए आए हैं। तब बूढ़िया माँ बोली कि प्रभु, मुझे मांगना तो नहीं आता है, मगर आप कहे तो मैं कल मांग लूंगी। और वो बूढ़ी माँ कहती है कि तब तक मैं अपने बेटे और बहू की सलाह भी कर लूंगी। शिव जी कल आने का वादा करके वापस लौट गए। प्रिय दर्शकों, बुढ़िया का एक पुत्र और एक बहू थे। बुढ़िया ने सारी रात उनसे बात कर सलाह मांगी। तब उस बूढ़ी माँ का बेटा अपनी माँ से कहने लगता है कि माँ, तुम शिव जी से ढेर सारा पैसा मांग लो, हमारी गरीबी दूर हो जाएगी, सब सुख चैन से रहेंगे। बूढ़ी माँ की बहू बोली, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश को आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। प्रिय दर्शकों, उस बूढ़ी माँ ने बेटे और बहू की बात सुनकर असमंजस में पड़ गई और सोचा कि ये दोनों तो अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं। प्रिय दर्शकों, तब उस बूढ़ी माँ ने अपने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया। पड़ोसन भी नेक दिल थी। उसने बूढ़ी माँ को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वो तो सुख से व्यतीत हो जाए, धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी, जब तुम्हारी आंखें ही नहीं है तो ये सांसारिक वस्तुएं सब तुम्हारे लिए व्यर्थ है, अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। प्रिय दर्शकों, पड़ोसियों की इतनी बात सुनकर वो बूढ़ी माँ अपने घर को लौट आती है। अब वो बूढ़ी माँ और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि शिवजी से कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा बेटा बहू सबका भला हो जाए। अब बुढ़िया माँ अपना दिमाग चलाना शुरू करती है, सोचने लगती है कि ऐसा क्या हो सकता है जो मैं शिव जी से मांगू। प्रिय दर्शकों, अब वो बूढ़ी माँ
कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ मांगने का मन बनाती, परंतु कुछ भी निर्धारित नहीं कर सकी। प्रिय दर्शकों, अब दूसरे दिन शिवजी पुनः प्रकट हुए तथा बोले, आप जो भी मांगना चाहो सो मांग लो। हे बूढ़ी माँ, तुम जो भी मांगोगी वो सब कुछ हमारी कृपा से हो जाएगा, ये हमारा वचन है। प्रिय दर्शकों, शिवजी के पावन वचन सुनकर बुढ़िया बोली, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो कृपया मुझे मनवंचित वरदान दीजिए। मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीते हुए देखना चाहती हूँ। प्रिय दर्शकों, उस बूढ़ी माँ की इस बात को सुनकर शिवजी उसकी सादगी व सरलता पर मुस्करा दिए और बोले कि हे बूढ़ी माँ, तुमने तो मुझे ठग लिया है। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने के लिए बोला था, परंतु तुमने तो एक ही वरदान में वो सब कुछ मांग लिया है। और तो और, तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें भी मांग ली है। अपने बेटे के लिए धन और बहू के लिए पोता भी मांग लिया है। पोता होगा, ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो वो सोने के गिलास में दूध पी पाएगा। और पोते को देखने के लिए तुम्हें जिंदा रहना होगा, तभी तो तुम देख पाओगी। और पोते को देखने के लिए आंखें भी तो होनी पड़ेगी। फिर भी वे बोले कि जो तुमने मांगा है सब सत्य होगा। यूं कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। प्रिय दर्शकों, कुछ समय पाकर शिवजी की कृपा से बुढ़िया के घर में एक पोता हो जाता है। प्रिय दर्शकों, उधर उस बूढ़ी माँ के बेटे का कारोबार जोर शोर से चलने लग जाता है। तब बुढ़िया की आंखों की रोशनी भी वापिस आना शुरू हो जाती है और धीरे धीरे उस बूढ़ी माँ की दोनों आंखें बिल्कुल ठीक हो जाती है। पूर्णतः आम आदमी की तरह वो बूढ़ी माँ देखने लग जाती है। प्रिय दर्शकों, शिवजी की कृपा से, देवाधिदेव महादेव की कृपा से वो बुढ़िया माँ अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से एक बुढ़िया ने शिवजी को आखिरकार में ठगी लिया। प्रिय दर्शकों, ऐसा कहते हैं कि जिसके नसीब में जो होता है उसको वो मिलकर रहता है, और जिसके नसीब में कुछ नहीं होता है उसको कुछ नहीं मिल पाता है। प्रिय दर्शकों, ये सब नसीब का खेल होता है। दूसरा क्रम प्रदान बताया है, हम जैसा क्रम करते हैं वैसा फल प्राप्त होता है। यदि वो बूढ़ी माँ शिवजी की भक्ति नहीं करती तो उसके घर में यश वैभव की प्राप्ति नहीं होती, देवादि देव महादेव की कृपा नहीं होती। और तीसरा बताया है कि मांगने की भी कला होती है। जिन लोगों में मांगने की कला होती है वो एक ही वचन में सब कुछ मांग लेते हैं, और जिन लोगों में मांगने की भी कला नहीं होती है वो निर्धन के निर्धन रह जाते हैं, ठूंठ के ठूंठ रह जाते हैं। प्रिय दर्शकों, इस कहानी को सावन मास में जरूर सुनना, और हो सके तो अपने नाती पोतों को जरूर सुनाना। यदि आप भी देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा पाना चाहते हैं तो इस कहानी को जरूर सुनिएगा। प्रिय दर्शकों, ये कहानियाँ समाप्त होती है। हम उम्मीद करते हैं कि आज का ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा और इस कहानी से आप ढेर सारी प्रेरणाएं लेंगे। मिलते हैं प्रिय दर्शकों आने वाले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें। जी नमस्कार, धन्यवाद।